हेलो दोस्तों, समय से पहले इंसान को कुछ भी नहीं मिलता है, चाहे आप कुछ भी कर लो। तो आज हम इसी के बारे में थोड़ी बहुत बातें करेंगे। जैसे आप कोई भी काम करोगे ना, कोई भी, तो आप कितना भी आप पैर हाथ मारो, कुछ भी करो, पर समय से पहले कुछ भी नहीं आपको मिलने का, वो सब चीज़ तय होता है। ठीक उसी तरह आप एक काम कर सकते हैं, वो है मेहनत। मेहनत करने से इंसान अपने भाग्य को भी बदल लेता है, अपनी किस्मत को भी बदलता है। तो इसलिए आपको ये जो चीज है ना, मेहनत, वो आपके बस में है। तो जो आपके बस में है, जो आप कर सकते हो ना, उस पे फोकस करना चाहिए, वो करनी चाहिए मेहनत। अगर आप किसी काम को, अपने काम के प्रति आप 100% अगर देते हो ना, तो यकीन मानो वो ऊपर बैठा हुआ जो है ना ईश्वर, वो भी आपको एक ना एक दिन आपको उस काम का प्रति जो फल होगा वो जरूर देगा। देर से ही देंगे, पर होगा जरूर। इसलिए जो ये जो सब्र होता है ना, इसका जो दामन बहुत कठिन होता है, और ये जो सब्र हर कोई इसको नहीं सह सकता है। इसको सब्र रखने के लिए ना हिम्मत चाहिए, पेशेंस चाहिए इंसान में। अगर वो आपके पास है तो आप हर मुश्किल, हर कठिनाई को जीत सकते हैं। लेकिन कहते हैं ना, आज का जो कलयुग का जो समय है, वो पेशेंस वो किसी भी इंसान में नहीं है, और ना ही रखना चाहते हैं। वो सोचते हैं कि हम कोई भी काम करें और उसका रिजल्ट तुरंत मिले, पर ऐसा नहीं होता है। एक बच्चा भी जब माँ के गर्भ में आता है तो 9 महीने लगता है, उसके बाद ही वो एक शिशु का रूप लेता है। ठीक वैसे ही आप किसी काम को, या पेड़ भी लगाते, एक छोटा सा पेड़ भी आप लगाते हो एक उदाहरण के तौर पे, तो उसे भी, उसमें फल या फूल जो भी लगाते हैं, तो उसको आने में समय लगता है। तो ठीक उसी तरह हर चीज का समय एक तय होता है कि किस समय किसको कितना फल दिया जाए। कि ठीक वैसे ही हमारा ऊपर भी ना, हमारे किस्मत, हमारे भाग्य में क्या है ना, ये सब ऊपर तय होता है, उसी हिसाब से हमें मिलता है। तो जो चीज हमारे हाथ में नहीं, हम उसके बारे में सोच के अपना ये दिमाग क्यों खराब करें, है ना। जो हमारे बस में है, जो हम कर सकते हैं, वो करना चाहिए। जो है मेहनत, जो है मेहनत, उसको आप ईमानदारी से करिए, पूरी निष्ठा से करिए, पूरा 100% काम को दीजिए, और यकीन मानिए वो काम आपका होगा। हाँ, जब आप काम करोगे शुरू शुरू में तो थोड़ी कठिनाई आती है, लोग ताना मारते हैं, लोग कहते हैं ये तुमसे नहीं होगा, ये नहीं। पर पता है दोस्तों, उस काम को करने में, जो लोग कहते हैं ना कि तुमसे ये काम नहीं होगा, उस काम को करने में जो मजा आता है ना, और आप उस काम को करके सफलता जब मिलती है ना, तो वो जो सफलता होती है, उसका जो एक नशा होता है ना, वो बहुत ही अलग होता है। क्योंकि एक तो होता है कि लोग कहते हैं वो काम हम नहीं कर सकते, और जब हमारा काम मेहनत से और उस ईश्वर की आशीर्वाद से जब हमारा सफल होता है, सक्सेस होते हैं ना, तो एक अलग सी खुशी होती है ना। तो इसलिए आप वो काम करिए जो आपको उसमें लगता है कि हाँ, आप उस काम को आप 100% दे सकते हैं, आपको उस काम की पूरी जानकारी है, नॉलेज है। और यदि नहीं भी है ना, तो कहते हैं अगर हमारी इच्छा से बढ़ के दुनिया में कुछ भी नहीं है। अगर हमारी इच्छा है कि हाँ, हमें ये काम सीखना है, हमें ये काम के बारे में पूरी जानकारी लेनी है, चाहे जैसे भी हो, तो हम लेंगे। जैसे कहते हैं ना, जैसे किसी बच्चे को अगर पढ़ने की इच्छा होती है तो किसी न किसी तरह से वो पढ़ता ही है। कभी कभी होती है ना प्रॉब्लम कि बच्चों के पास ये चीज़ नहीं है या वो चीज़ नहीं है, पेरेंट्स कभी कभी नहीं दे पाते हैं। पर अगर बच्चों में ललक है, पढ़ने की लालसा है, उमंग है, तो वो कहीं ना कहीं से अपना पढ़ने के लिए अपना पूरा तैयारी कर लेते हैं, है ना। और इसके बाद उनका क्या परिणाम मिलता है वो हर कोई को पता है। उनका रिजल्ट अच्छा मिलता है, उनको 100% मिलते हैं। ठीक है, ठीक वैसे ही अगर हम काम करें और पूरी ईमानदारी से करेंगे उस काम को, तो कैसे नहीं होगा, होगा। तो इसीलिए आप जो काम कर रहे हो अच्छे से करिए, ईमानदारी से करिए, फल की चिंता नहीं करना चाहिए। वैसे गीता में भी लिखा हुआ ना, फल की चिंता मत कर, सिर्फ कर्म कर। तो वैसे ही सिर्फ आप अपना काम करिए। अब बहुत लोग बोलेंगे ये बहुत ज्ञान की बातें दे रही है, मैं भाई ज्ञान की बातें नहीं दे रही हूँ। मुझे लगा कि हाँ, थोड़ी बहुत बातें शेयर करूँ, तो मैं बस इसलिए, आप लोग मेरा परिवार हो इसलिए शेयर करती हूँ। ऐट इससे और मुझे कोई वो नहीं है, मैं चाहती हूँ कि मेरा जो परिवार है बिल्कुल समझदार बने, और ये नहीं कि कोई काम कर रहा है तो उसे छोड़ दे या लापरवाही करे, नहीं। मैं इसलिए चाहती हूँ कि ये जो मेरा यूट्यूब परिवार है वो हर चीज़ सीखे
और वैसे जो कहते हैं ना आजकल किसी को सिखाने का नहीं है, बट मुझे लगता है कि हाँ मुझे ये बातें अच्छी लगती है तो अपने जो मेरे परिवार है मेरे दोस्त है उन्हें ये बात शेयर करनी चाहिए। बस मैं इसीलिए आप लोगों से शेयर करती हूँ। यदि किसी का दिल दुखे तो मैं माफी चाहती हूँ, मैं दिल दुखाने के लिए ऐसी कोई बातें नहीं कहती हूँ, बट मुझे लगता है इसलिए मैं आप लोगों को ये बातें शेयर करती हूँ। तो दोस्तों इसीलिए आप जो भी काम करो वक्त तो लगेगा हर काम में, बस यही है कि इंसान को घबराना नहीं चाहिए, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, सिर्फ सब्र का दामन पकड़े रखिए और अपना काम पूरी निष्ठा से ईमानदारी से करिए। तो यही कहना था और हर चीज समय पे जरूर मिलेगा। तो यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।